वेरोनिका 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 हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी क्या है कि हम आए हैं पड़ाव चौक पे, बिजली का दाम। तो क्या है, यहाँ पे हम कुछ ले रहे हैं रेडी से, तो आप लोगों ने शायद बचपन में खाई होगी। तो मेरे को मन कर गया यार, मैं सोचा ले लेते हैं। ये आप लोगों ने बचपन में खाया हुआ ये चीज़ें, हमने बहुत खाई है। तो क्या है कि मैं घर पे आया था, और ये लड़का ना, ये लड़का उसको आप शायद पहचान नहीं पाए होगे, पर ये नीरज है। पर ये नीरज है, क्या था कि मैं बाहर गया था तो मैंने कहा तू घर पे रह, मूवी देख ले, ये थोर देख रहा था, तो ये घर पे ही था। तो इसको एक चीज़ देनी है मेरे को, रख ले ये तेरे आज से। तो मैं अभी 6 बजे आया था आर्ट रूम से, और अभी क्या है कि 7:15 हो रहे हैं, और मैं एक चीज़ ट्राई करने वाला हूँ आज, जो मैंने कभी ट्राई नहीं की, ना मेरे टेक्नोलॉजी वाले चैनल पे और ना ही इस चैनल पे। तो उसमें क्या है कि हम एक हॉरर गेम खेलने वाले हैं, और वो हॉरर गेम कौन सी होगी। तो पहले मैं गेम के बारे में बताने से पहले मैं आपको उसकी स्टोरी बता देता हूँ। तो क्या था कि एक लड़की थी, और उसको है ना सुपर नेचुरल और ये घोस्ट और नेगेटिव एनर्जी इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उसने क्या किया, एक रिचुअल किया ताकि वो एक घोस्ट को बुला सके, ठीक है। बट उसने क्या किया, उसने उसको उस रिचुअल को ना बहुत ही डिसरिस्पेक्ट तरीके से किया। तो उस घोस्ट ने क्या किया कि वेरोनिका के पास एक सीज़र थी, और उसने मतलब उसको अपने वश में करके और उस सीज़र से ना उसको जान से मार दिया, ठीक है। तो माना ये जाता है कि अगर आप यही गेम खेलते हो जो वेरोनिका ने खेली थी, तो इस बार वेरोनिका आएगी और सेम तरीके से आपकी मौत होगी, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें यूँ नहीं है कि वो मतलब आपके साथ इंस्टेंटली होगा, आपके हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ रहे, ठीक है। अब यार हम तो सिंगल हैं, तो मैं ये कह रहा था कि हम ये गेम खेलेंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं बताता हूँ। इसमें ज़रूरत है एक कैंडल की, कैंडल को जलाने के लिए एक माचिस, और एक शीशे की, और एक चाहिए हमको घड़ी। अब घड़ी हो या तो आप जो दीवार पे घड़ी रखते हैं वो रख ले सकते हो, या मोबाइल की घड़ी भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में जो क्लॉक होती है, या फिर आप रिस्ट वॉच यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको इसमें सूटेबल लगे, ठीक है। और इसको ठीक 12 बजे करना होता है, और इसके अंदर एक मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आपने इस रिचुअल को करते वक्त डिसरिस्पेक्ट किया, तो क्या कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अगर इस रिचुअल को करते वक्त आपने डिसरिस्पेक्ट किया तो भूत सच में आ जाएगा, और ठीक है समझ गए। तो ये इस गेम का ये है सारा पंगा कि इसको 12 बजे करना है, ठीक है। अब देखो मैं ये मानता हूँ कि 12 बजे मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज़ है रात के 3 बजे, क्योंकि कहते ये हैं कि 3 बजे जो है ना नेगेटिव एनर्जी जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, चाहे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है। तो मैं इसको 2 बार करूँगा, एक बार 12 बजे और एक बार 3 बजे। अब रात को मैं देख लो 3:30-4 तक सो जाता हूँ, अब 3:30-4 तक सोने लगा हूँ, बट क्या है कि अब इतना टाइम है तो मैं रात को 3 बजे भी करूँगा और 12 बजे भी। तो अभी क्या है कि हमारे पास मिरर आ चुका है, और कैंडल और माचिस भी है, तो हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। बस अभी हमको वेट करना है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं पहले इस कैंडल को रख दूँ। हाँ, तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है कि मैंने नीरज से कहा था कि तू मेरे को इसमें कंपनी दियो, तो उसने क्या कहा, बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, और उसको फ़ोन मिलाते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है अभी। मैंने उसको फ़ोन मिला दिया। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात। ये भाई साहब स्विच ऑफ करके बैठे हैं फ़ोन। इसको मैंने ये बोला था कि मेरे भाई आपा करेंगे, मैंने इसको सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे रिचुअल है कुछ,
और अपा करेंगे। तो ये बोला ठीक है मेरे को फोन कर लियो, और अब देखो फोन स्विच ऑफ करके बैठे, ये कभी स्विच ऑफ नहीं करता फोन, कमाल की बात ये है। और रात को ना ये इंस्टाग्राम पे लगा रहता है किसी के साथ, और अभी क्या स्विच ऑफ करके बैठे है फोन। हेलो, कोई नहीं मैं अकेला करूँगा देखो। तो अभी टाइम हो रहा है 11:40, 11:41 हो गए, बस मेरे को थोड़ी सी देर और वेट करना है, उसके बाद देखते हैं। तो अभी क्या है कि मैंने रिचुअल की सारी तैयारी कर ली, और अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। ये टाइम हो रहा है 11:56, और यहाँ भी ये मैंने गूगल पे टाइम लगा रहा है, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और अभी भी 11:56 है ये, ठीक है। तो रात के 12 बजे हुए हैं, मतलब 4 मिनट रह गए, बस मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये हो उस टाइम, उसके बाद फिर मैं रिचुअल करूँगा। और मैंने ना अभी पलक को फ़ोन किया, तो पलक बोली कि उसका फ़ोन ख़राब है, तो इसीलिए वो भी नहीं आ सकती। अब तो मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही रिचुअल करना पड़ेगा, देखते हैं यार। बाकी मुझे पता है यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, बट लोग कहते हैं कि होता है, बहुत से मतलब यूट्यूबर है जिन्होंने बोली है ये बात, और उनने कुछ एक्टिविटी भी दिखाई है। ओ कुछ कह नहीं सकते अभी, ओ पहले मैं एक बार इसका शूट करूँगा ना, तभी समझ में आएगा ये रिचुअल करने के बाद कि क्या है इसके पीछे का साइंस। ओके, आई एम रेडी फॉर एक्शन। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर होना, जो मैं अभी एडिटिंग वेडिटिंग करूँगा इसलिए मैंने उनको रखा है, बट ये है असली चीज़। अभी टाइम क्या हुआ, मैं जल्दी से टाइम देख लेता हूँ, 11:58 हो गए, बस 2 मिनट, एक सेकेंड, मैं इसको उठा लेता हूँ। ओके, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट बाद हम एक्शन में आ जाएंगे। तो आपको मेरी ना दिख नहीं रही होगी शायद अच्छे से, फ़ोटो अच्छे से, बट जितनी आ रही है आप एडजस्ट कर लेना है। तो मैं बस अभी टाइम की तरफ ही देख रहा हूँ, ठीक है। और अभी 11:59 हुए हैं, ठीक है, एक सेकंड मैं मेरे मुंह की तरफ कर लेता हूँ अब, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट और करो। ओके ओके, वेरोनिका 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 वेरोनिका। तो इसमें 9 बार बोलना होता है, 9 बार मैंने बोल दिया और कुछ भी नहीं हुआ। चलो मैं एक बार दोबारा ट्राई कर देता हूँ, वेरोनिका 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 वेरोनिका। थैंक यू। ओ बिल्कुल अंधेरा, दोबारा ट्राई करूँ? अब बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं बट कोई बात नहीं। वेरोनिका 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 वेरोनिका। थैंक यू, एक सेकेंड रुको, मैं एक बार लाइट ऑन कर लूँ, ठीक है, हम जिंदा हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें यह है कि आप इसको अगर डिसरिस्पेक्ट करते हो तब आपके साथ आप बहुत बुरा हो सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ट्राई और करते हैं, मैं एक बार मोमबत्ती जला लेता हूँ, इस बार इसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, देखते क्या होता है। यार वेरोनिका है ना बहुत ही बेकार लड़की है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई नहीं यार है, मैं अकेला फील कर रहा था, मतलब हर लड़का सिंगल जो होता है वो अकेला फील करता है, बट है कितनी बड़ी डायन है वो, है मतलब एक बार आ जाती है दर्शन कर लेती है, उसके दर्शन के बिना ना मेरी रात नहीं कटेगी अब, ठीक है, क्योंकि जब तक भूत का नाम ना ले लूँ ना मेरे को नींद ही नहीं आती, या भूतनी का नाम ना ले लूँ तो, ओ सॉरी चुड़ैल, या तो चुड़ैल होगी ना भाई, इसको डिसरिस्पेक्ट भी करके देख लिया, अब भी कुछ नहीं हो रहा, ये बड़ी अच्छी वेरोनिका चलो बाकी यार मैंने ना नीरज को बोला था कि तू भी कर ले ट्राई, उसका कुछ समझ ही नहीं आया, वो बोला मैं कर लूँगा,
और पहले तो मेरे को बोला कि है ना यार ना कर ऐसा कुछ भी ये वो, तो मैंने कहा ना ना करते हैं मज़ा आएगा, बोला ना ना नहीं करते नहीं करते, बोला अगले दिन देखियो तू यूट्यूब पे व्लॉग नहीं बना पाएगा। मैंने कहा क्यों, बोला अब रोने का है ना तेरे को मार देगी तेरे को ये कर देगी वो कर देगी। मैंने कहा देखते हैं भाई देखते हैं क्या होता है, बाकी कुछ भी नहीं है यार ऐसा। ठीक है अब मैं 3 बजे और ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि 3 बजे कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो देखते हैं रात को 3 बजे क्या आता है। तो मैं अपने अगले रिचुअल के लिए रेडी हूँ, और सबसे पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ कि टाइम हो रहा है 2:57, और मैं आपको गूगल पे भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि यार बहुत से लोग हैं ना फिर डाउट करते हैं कि टाइम चेंज कर दिया होगा। एक सेकेंड, इंडिया टाइम नाउ, ठीक है 2:57, ठीक है। तो बस थोड़ी सी देर में हम शुरू करने वाले हैं, मैं बाकी की तैयारी कर देता हूँ जब तक, ठीक है। तो अभी 3 बज गए, ठीक है, और हम इसको शुरू करते हैं। ओके ठीक है, करें। वेरोनिका 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 वेरोनिका, कुछ नहीं हुआ। पता है मैं एक बात बताता हूँ, एक सेकंड मैं इसको रख दूँ, पहले मैं एक थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेता हूँ बढ़िया सी। तो पता है मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ना ये सब अंधविश्वासी है, ठीक है। लोग मैंने बहुत वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे बहुत, उसमें क्या करते हैं कि ऐसे कुछ रिचुअल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि है ना मतलब ये दिखाते हैं कि जैसे मतलब कुछ एक्टिविटी हुई है या उनको कोई नुकसान पहुंचा है, ठीक है, और ऐसे मतलब भरी पड़ी है वीडियो, आप देखोगे ना यूट्यूब पे सर्च करो। लेकिन पता है असली आपको जब ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी ना कि ये क्या असली और क्या नकली, तब वो आपको पता लग जाएगा यार कितना बेवकूफ़ बनाते हो, ठीक है। मैंने ब्लडी मैरी दिया हुआ था, ये भी एक्चुअली ब्लडी मैरी जैसा ही है, थोड़ा सा क्या बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। इसमें भी नाम बुलाना पड़ता है उसका, और सेम ब्लडी मैरी में भी यही करना पड़ता है। लेकिन ना देखो पता है लोग कहते हैं कि उनको कुछ दिखा था, हो सकता है मानता हूँ, बट इसके पीछे की साइंस नहीं पता उनको। जब आप ना डिम लाइट करके आईने में खुद को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा, आपका जो दिमाग है ना वो इस तरीके से काम करता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने कुछ खड़ा है, या आपको अपने चेहरे के अंदर है ना किसी और का फेस दिखाई देता है। ये सब इधर का खेल है दिमाग का, ठीक है। आप एक यूँ सोच रहे हो कि यार ब्लडी मैरी करते हैं, ठीक है। आप ब्लडी मैरी के बारे में आपको पता है कि कोई लड़की है ऐसी, मतलब कोई औरत आएगी, ठीक है, जिसका नाम मैरी है, ठीक है, और सब कुछ स्टोरी पता है आपको, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन जब आप डिम लाइट करके वो चीज़ ट्राई करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब सामने ब्लडी मैरी खड़ी है, ठीक है, और आप डर भी जाओगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब है ना दिमाग का खेल है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कोई एक्टिविटी दिखाते हैं ना कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना कभी भी, कोई भी YouTube पे वीडियो डाले ना और वो कहे कि भाई मैंने ऐसे एक्टिविटी देखी है या कुछ भी, आप वहाँ पर जाओ, उस प्लेस पर जाओ, उस जगह पर जाओ जहाँ पर वो बता रहे, और खुद शूट करके और फिर इसका पर्दाफाश करो ऐसी चीज़ों का। क्योंकि ये लोग ना पता क्या करते हैं, ऐसी वीडियोस बना के और व्यूज वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये सच में हो रहा है उनके साथ, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी देख लेना, मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन जितने भी यूट्यूबर हैं जो ये ऐसी वीडियोस बनाते हैं, कमाल की बात बताता हूँ, उनको उनके साथ एक्टिविटी हर बार होती है और वो जिंदा निकल जाते हैं, जिंदा बच के निकल जाते हैं मतलब, ठीक है। अब यार अगर मान लो कोई भूत है वो नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो ऑब्वियसली यार कुछ तो नुकसान पहुँचाएगा ना, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता, ना तो आज तक वो हॉस्पिटल गए, ना ही उनको कोई चोट लगी, ना ही कुछ उनके साथ गलत हुआ, बस थोड़ी सी भाई दरवाज़ा खुल गया, ठीक है, या उनके पास कोई चीज़ आके गिर गई, बस इतना ही होता है।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। और यही चीज़ है जो यार लोगों को है ना बेवकूफ़ बनाती हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दें। ओ अभी क्या है, रात के 3 बजने हैं, तो पता है यार मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।